सड़कें यहाँ पे टूटी पड़ी हुई हैं सो भाई ये इस पर काम चल रहा है अभी भी ठीक है और अब अंदर आ चुके हैं दिखाते हैं आपको कहाँ से इसकी एंट्री है चलते अंदर सो भाई आज भाई बता रहे हैं कि आज लिफ्ट बंद हो रखी है तो हम जा रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर दोस्तों यहाँ पे 21 लिफ्ट भी अवेलेबल है बट आज चल नहीं रही हैं सो हम सीढ़ियों से ही जा रहे हैं सो so फाइनली भाई हमने रैंप चढ़ना शुरू किया और अब हम जा रहे हैं बिल्कुल टॉप वाले फ्लोर पे दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड भी दो है ये सामने जो आप देख रहे हो ये है बी ग्राउंड और जहां हम जा रहे हैं वो है ए ग्राउंड यहाँ का सो so ये है मीडिया रूम यहाँ पे जो है सारे मीडिया कर्मी जो होते हैं वो बैठेंगे और अपना यहाँ पे मैच देखेंगे जो भी उनका मीडिया बॉक्स बोलते हैं बेसिकली इसे सो so दोस्तों यहां से होती है भाई फाइनल एंट्री सबसे टॉप वाले लेवल की ठीक है तो यहां से एंटर होते ही भाई सामने दिख रहा है एक बहुत ही शानदार नजारा स्टेडियम का दोस्तों ठीक है और भाई बहुत ही सुकून मिल रहा है भाई यहाँ पे तो अभी शांति हो रखी है पूरी और यहाँ पे आप देख सकते हो काम पूरा हो चुका है स्टेडियम का सो दोस्तों ये देख सकते हो भाई गोल्डन रंग की सीट्स लग रखी हैं यहाँ पे जबरदस्त दोस्तों सो so भाई यहाँ पे आप आने वाले हो तेईस को मैच देखने के लिए दोस्तों किस किस ने टिकट बुक कर रखी है भाई यहाँ की जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो अभी आपके सामने बहुत ही शानदार नजारा स्टेडियम का आपके सामने आने वाला है दोस्तों ये यहाँ का बेसिकली जो है पार्किंग वाला एरिया आप देख सकते हो मेरे सामने सो so दोस्तों ये है वो शानदार व्यू भाई शानदार स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम महाराजा यादविंद्रा स्टेडियम आपके सामने है दोस्तों भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे और जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको भी कुछ ऐसा ही मज़ा आने वाला है सामने देख सकते हो कितनी दूर दूर तक भाई ठीक है अभी यहाँ पे जो है मैच होने वाला है कुछ दिनों में तो यहाँ पे जो पहला मैच होने वाला है वो है किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली के बीच में ठीक है तो भाई जब मैच होगा तब तो भाई ज़बरदस्त वाला सीन हो जाएगा अभी हाँ थोड़ी सी चीज़ें बाकी हैं इसके अंदर अभी जैसे कि यहाँ पर अभी शेड्स नहीं लगी हैं इनके ऊपर शेड भी लगेंगी अभी जो इनका प्लान था पूरा मास्टर प्लान उसके अंदर शेड भी है ठीक है और वो देख सकते हो भाई कितना बड़ा स्टेडियम है भाई कितना बड़ा स्टेडियम है ठीक है वो रही वहाँ स्कोर बोर्ड ठीक है उस साइड आगे ड्रेसिंग रूम्स वगैरह हैं ठीक है इस साइड अगर आप नीचे देखोगे हमारे एग्जैक्ट नीचे तो यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है भाई जो मीडिया का बेसिकली मीडिया रूम होते हैं जहाँ पे मीडिया वगैरह लोग बैठते हैं कमेंट्री जो रूम होता है वो यहाँ पर नीचे है भाई सारा का सारा आज हमारे साथ नौशी भाई भी आ रखे हैं नौशी भाई हेलो हो तो भाई कैसा लग रहा है पहला भाई पहला मैच जो होने वाला ना वो होगा दिल्ली और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में और ये देख सकते हो भाई उधर कितना खुला मैदान चारों तरफ भाई दूर, दूर दूर तक पार्किंग की भी फैसिलिटी पूरी अवेलेबल है और यहाँ पे मैचेस तो होते रहते हैं अभी तो दोस्तों अगर मैच की बात की जाए तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ यार ऑनलाइन टिकट्स वगैरह भी अवेलेबल हो चुकी हैं ठीक है तेईस तारीख को मैच है और पहले भी यहाँ पे रंजी वगैरह तो होती ही रहती थी क्योंकि ग्राउंड जो है यहाँ का पहले ही तैयार हो चुका था ग्राउंड को ये तैयार कर देते थे उस टाइम के लिए बट हाँ अभी भी कुछ कमियाँ जो हैं अभी रहती हैं जैसे कि आपको पता है भी शेड्स वगैरह नहीं लगे हैं वो भी धीरे धीरे इसके ऊपर काम चल रहा है तो वो भी जल्दी जो है हो जाएगा ठीक है बट भाई यहाँ पर ना अलग ही सुकून मिल रहा है खाली खाली स्टेडियम में आने का भी एक अलग मज़ा है दोस्तों ठीक है और आप देख सकते हो मेरे सामने ये है भाई स्टेडियम कुछ है ना तो खाली स्टेडियम का भी अलग मज़ा है और जितना मुझे पता है कि शायद लोगों को यहाँ पे आने ना दिया जाए क्योंकि यार यहाँ पे आना थोड़ा सा मुश्किल है भाई हम भी बड़ी मुश्किल से अंदर आए हैं ठीक है तो परमिशन लेके ही आए हैं वैसे तो सो कोई दिक्कत नहीं है आप देख सकते हो लाइटें वग़ैरह प्रॉपर यार बहुत ही ज़बरदस्त वाली फील आ रही है भाई यहाँ से कसम से सो दोस्तों इसकी पार्किंग वगैरह का स्पेस भी है इधर इसकी पार्किंग है नीचे ठीक है और इसके चारों तरफ आपको देखने को मिल जाती है पूरी हरियाली है ना क्योंकि ये है भी भाई मुल्लापुर में तो पार्किंग की दिक्कत तो कोई है ही नहीं है जैसे मोहाली स्टेडियम में जब आप जाते थे पी में तो वहाँ पार्किंग का बहुत इशू रहता था पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला पार्किंग की खुली स्पेस मिलेगी आपको यहाँ पर लोग भी ग्राउंड में बैठे हुए हैं देखो ये काम करने वाले हैं यहाँ पर यह कुछ सफ़ाई वगैरह कर रहे हैं या यहीं के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे हैं ठीक है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे वो स्कोर बोर्ड लगा भाई सामने ठीक है और ये तो मैनुअल वाला है और वो देखिए सामने वहाँ पे जो है एलईडी स्कोर बोर्ड जो रहता है वो भी है और सीट्स के कलर आप देख सकते हो ऑरेंज है फिर ब्लू है और फिर ये अपने थोड़ी सी गोल्डन शेड में आपको देखने को मिल जाते हैं ये प्रीमियम वाले हैं भाई ठीक है तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि यार यहाँ पे जो है इतनी जल्दी जो काम हो गया लास्ट टाइम जब मैं आया था तो अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि जब मैंने लास्ट टाइम विज़िट किया था तो यहाँ पे इतना कुछ था नहीं उस टाइम तो सीट्स भी नहीं लगी थी यहाँ पे ठीक है अब तो सीट्स वगैरह भी लग चुके हैं और काफ़ी अच्छा लगा यार मुझे यहाँ पे आने के बाद तो दोस्तों यार आज की वीडियो में तो इतना ही था थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि स्टेडियम आपको कैसा देखने को मिलेगा सो तो दोस्तों सामने आप देख सकते हो भाई पार्किंग है पूरी की पूरी और हम भी चले अब घर मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय